नमस्कार, लवली की रसोई में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम रसोई में एक ऐसा दूध बना रहे हैं जो कि फ्रेंड्स कैसी भी कमजोरी होगी, थकान होगी, आप इसे केवल 4 दिन पी लेंगे तो आपकी थकान कमजोरी सब दूर हो जाएगी। वैसे भी अभी बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, तो फ्रेंड्स आप इसे अपने बच्चों को माइंड फ्रेश करने के लिए और उनकी थकान को दूर करने के लिए ये दूध बनाकर दें। इससे उनकी याददाश्त भी तेज बनेगी और यह दूध आपके बच्चों के लिए या फिर आप अपने किसी भी बड़े बुजुर्गों किसी के लिए भी बना रहे हैं उनके लिए यह एक पौष्टिक आहार का काम करेगा। पर फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप पूरी देखें तभी आपको समझ में आएगा कि ये दूध हमें कैसे बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर अखरोट लिए हुए हैं जिन्हें कि हम वॉलनट भी बोलते हैं। यहाँ पर मेरे पास वॉलनट की मिगी निकली हुई है। अगर आपके पास वॉलनट की मिगी निकली हुई नहीं है तो आप साबुत अखरोट को फोड़कर उससे मिगी निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, अखरोट आपके हार्ट के लिए, आपके ब्रेन के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होती है। अखरोट से जो आपकी खून की कमी है वह भी पूरी होती है। चलने में जो हमें घुटनों में दर्द होता है, तो आमतौर पर जो हम बोलते हैं कि घुटनों से चिकनाई खत्म हो रही है, तो अगर आप डेली अखरोट का सेवन करेंगे तो आपकी घुटनों की जो चिकनाई है वह भी बराबर बनी रहेगी। यह आंखों की रोशनी के लिए भी फायदा करते हैं। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात, अखरोट में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि आपके कैंसर के जो सेल्स होते हैं उनको रोकते हैं। आप देख सकते हैं कि अखरोट वैसे भी एक ब्रेन जैसे शेप में होते हैं, तो इसका मतलब अखरोट हमारे ब्रेन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मैंने ये अखरोट ली है इसमें से हमें लगभग 2 से 3 अखरोट, यानी कि आप लगभग इतनी अखरोट की मिगी ले लें और एक पैन में डालें। हमने यहाँ पर थोड़ी सी किशमिश ली हुई है। फ्रेंड्स, किशमिश भी हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। किशमिश से आपको खून की कमी नहीं होती है। जो लोग रोजाना 10 से 15 किशमिश खाते हैं डेली, तो फ्रेंड्स उनको एनीमिया की रोग नहीं होता है, उनको खून की कमी नहीं होती है। आप अखरोट और किशमिश को डेली रात को भिगोकर भी खा सकते हैं। पर क्या होता है कि हम 2-1 दिन भिगो देते हैं, उसके बाद भिगोना भूल जाते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर दूसरा तरीका बता रहे हैं। अब आप इसमें से करीब 15 से 20 किशमिश ले लें। फ्रेंड्स, 15 से 20 किशमिश ले लें। किशमिश को भी आप पैन में डाल दें। अब आप पैन में लगभग 1 गिलास दूध डालें। दूध को हम बॉईल करेंगे। ये देखिए, आप दूध बॉईल हो चुका है। अब आपको ये दूध मीडियम गैस पर थोड़ा सा चलाते हुए 3 से 4 मिनट के लिए और अच्छे से बॉईल करना है, जिससे कि हमने इसमें जो अखरोट और किशमिश डाले हुए हैं वो फूल जाएंगे। ये देखिए, दूध काफी अच्छे से बॉईल हो चुका है, यानी कि हमने जो 1 गिलास दूध लिया था उसका लगभग 1.25 गिलास दूध हो चुका है। अब अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो इसको आप फीका ही पिए, क्योंकि इसमें जो किशमिश पड़ी हुई है किशमिश से इसमें ऑलरेडी मीठापन आ जाता है। अगर आपको यह मीठा पीना है तो हमने यहाँ पर यह मोटे धागे वाली मिश्री ली हुई है। फ्रेंड्स, ये देखिए, मिश्री वैसे भी गर्मियों में बहुत ठंडी करती है, आपके पेट को ठंडा रखती है, क्योंकि मिश्री की तासीर जो है ठंडी रहती है। अगर आपके पास मिश्री नहीं है तो आप इसकी जगह देसी खांड भी ले सकते हैं, और अगर आपके पास देसी खांड भी नहीं है तो आप इसकी जगह इसमें 1 चम्मच गुड़ डाल दें। लेकिन आप फ्रेंड्स इसमें चीनी बिल्कुल भी ना डालें। अब आप गैस को बंद कर दें और दूध को थोड़ा सा ठंडा होने पर
ग्लास में डालते एकदम से बहुत गर्म दूध नहीं पीना है, आपको उसी हिसाब से दूध पीना है जिससे कि आप घूट घूट भर के ड्राई फ्रूट्स को उसके साथ चबाकर खा सके, उस हिसाब से इस दूध को आपको पीना है। ये देखिए दूध ठंडा हो चुका है, यानी कि ये दूध अब पीने लायक है, तो हमने इसे ग्लास में डाल दिया है। अब बात करते हैं कि ये दूध आपको कब पीना है। फ्रेंड्स, इसे खाली पेट पी सकते हैं या फिर जो जॉब के लिए सुबह जाते हैं तो वो जाते वक्त पी सकते हैं, या फिर आप इसे दोपहर में ब्रेकफास्ट के बाद पी सकते हैं, लेकिन आप इसे रात को सोते समय बिल्कुल भी नहीं पी है, क्योंकि जो एनर्जी वाली चीज होती है वह थोड़ी हैवी होती है और रात में ये अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, तो इसे आप ब्रेकफास्ट के बाद या सुबह खाली पेट पी सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो पे लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, और मेरे चैनल लवली की रसोई को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।